हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द काइंड ट्रैवलर। तो अभी हम लोग ने ये वीडियो जो बना रहे हैं इसके लिए दो रीजन है। सबसे पहले तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है, जैसे हम लोग ने एयरपोर्ट वाला ब्लॉग बनाया था और उसमें भी इन्फॉर्मेशन थी, और अभी भी कुछ तो चीज शेयर करना है जो हमें रिसेंटली हमारे किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आया, और एक का नहीं तीन चार लोगों के ऐसे मैसेजेस आए। तो हमारे इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया एंड दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम। तो क्या मैसेज आया, क्या हुआ है, करण आपको बताएं। तो बेसिकली ये वीडियो ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम लोग आपको अवेयर करने वाले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और प्लीज ये स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। नॉट ओनली विद अस, किसी और के भी आएंगे तो बी केयरफुल। यस, और सेकंड पार्ट इसका ना बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको याद है हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट में थे, हमारे साथ क्या क्या हो गया था, आपने वो ब्लॉग देखा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना वो ब्लॉग, बहुत फनी है। फनी नहीं पर मस्त है। और मैंने कुछ चीज की थी, एकदम से मैं अपसेट हो गई थी, इसलिए मैं सिंगापुर एयरपोर्ट में मैंने कुछ चीज की थी, हम लोग ने ब्लॉग शूट भी कर रहे थे, तो आज हम लोग ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो हमको वो ब्लॉग मिल गया। तो कर बोला डाले ये ब्लॉग डाले, मैंने बोला ठीक है डालते हैं, बट मुझे तो नहीं चाहिए था डाले, बट करण बॉन्ड्स की वजह इसलिए हमने डाले। तो दैट इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बताते कि कैसा है क्या। यस, तो फर्स्ट पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है काजल राय, ओके, तो उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, करण भैया ये मेल आया था मुझे YouTube से, इज दिस स्पैम और रियल। तो मैं ये यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ये चैट है, ऐसी इतनी चैट हुई है, ठीक है थोड़ी सी, और इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डालेंगे। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये पूरा चैट आप भी पढ़ सकते हो। और उनको टेलीग्राम आईडी एक किसी ने हमारी फेक आईडी बनाई है, टेलीग्राम फेक आईडी। हाँ, टेलीग्राम पे किसी ने हमारी फेक आईडी बनाई है, और उनका उसका नाम दिया द काइंड ट्रैवलर, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दिया, और हमारा ही डीपी जाके रखा हुआ है, सेम डीपी। तो लोगों को लग रहा है कि वो हमारी आईडी है और हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि हमको टेलीग्राम पे मैसेज करो, और ये इसको काजल को वो टेलीग्राम वाले ने डिटेल्स मांगा अपना सारा, पर्सनल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स और ये वो। तो गाइज हम लोग टेलीग्राम पे, उसने हमको इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया विदाउट शेयरिंग एनी डिटेल्स विद दैट पर्सन कि ये आपकी आईडी है क्या। हमने सीधा बोल दिया कि दिस इज नॉट आवर आईडी, वी आर नॉट ऑन टेलीग्राम, तो अगर आप लोगों को ऐसे मैसेजेस आ रहे तो प्लीज 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 एंटरटेन मत करो। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो दिस इज आवर इंस्टाग्राम आईडी। यस, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये है वैदू की इंस्टाग्राम आईडी। अगर यहाँ से आपको मैसेज आ रहा है तो ही मैसेज रियल है, और हम लोग रिप्लाई करते हैं, आपको पता है कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई करते हैं हम लोग, तो यही मैसेज रियल है। और यूट्यूब पे कमेंट्स पे हम लोग सिर्फ रिप्लाई करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोग कोई मेल नहीं आएगा हमारी तरफ से, कोई मेल नहीं आएगा, कोई टेलीग्राम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और नॉट ओनली विद दिस आर्ट हमारे जैसे हमारा बना है, इसके अलावा मुझे लगता है कि किसी और का भी आपको ऐसा आएगा तो, और कोई ऐसे डिटेल्स मांग रहा कभी शेयर मत करो। पर्सनल डिटेल्स बेसिकली ओटीपी, बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हम लोग भी हो। अगर हम लोग गिव अवे कभी करेंगे और डिटेल्स मांगेंगे तो हम लोग का गिव अवे, स्टोरी बताओ क्या बोल रहे हैं वो इसमें, कि वो टेलीग्राम में क्या बोला, उसको मैसेज करके, वो काजल को मैसेज करके, जिन्होंने फेक आईडी बनाई है उन्होंने काजल को मैसेज करके क्या बोला। मुझे मैसेज, ओके भैया मैं बच गई, मैंने पहले काजल का मैसेज आया, भैया ये मेल आया था मुझे यूट्यूब से, इज दिस स्पैम रियल, बोला नो दिस इज फेक, थैंक्स ये बताने के लिए, आई विल अपलोड अ वीडियो इसके बारे में। तो बोलते ओके भैया मैं बच गई, दैट पर्सन इज आस्किंग मी फॉर माय पर्सनल नंबर, मेल एंड अप्रूव्ड एड्रेस ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे काइंड ट्रैवलर के नाम से चैट किया उसने मुझसे, जब उसने मुझसे एड्रेस नंबर मांगा तो मैं डर गई, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उसे, मैंने उसको बोला गुड ब्लॉक हिम एंड ऐसे मत करना कभी कुछ भी पर्सनल शेयर। तो बोलती है थैंक यू सो मच भैया, आई लव कि आप इतने बिजी होते हुए भी आप रिप्लाई करते हो, गॉड ब्लेस यू। सो वो बोल रहे थे कि हमने कोई गिव अवे थ्रो किया और वो काजल विनर है, इसलिए वो डिटेल्स मांग रहे थे। गाइस हम लोग कभी गिव अवे थ्रो करेंगे तो यही पे करेंगे, यही पे अनाउंस करेंगे, और हम लोग आपको डिटेल्स भी बराबर मांग लेंगे, आप टेंशन मत लेना, हम लोग एक फॉर्म बना के भेजेंगे या कुछ तो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें हम लोग गूगल फॉर्म में कुछ करेंगे और जो भी जीतेगा, पर हम लोग अनाउंस करके करेंगे सब कुछ, अनाउंस करके। तो बस ये वीडियो इतना ही, तो ये स्कैम से बच के रहना, और एक मिनट, एक मिनट, दो तीन लोगों का, और भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, तो हम लोग ने सोचा कि इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक अ वीडियो। और एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया ठीक है सीरियस पार्ट, अब सबसे मेन पार्ट आता है। अब ये वीडियो हम लोग ने सोचा पहले थोड़ा सा सीरियस और उसके बाद थोड़ा सा फन होना चाहिए, तो फन पार्ट अभी आने वाला है ठीक है। तो सिंगापुर एयरपोर्ट पे हम लोग थे, इट्स ओके, सिंगापुर एयरपोर्ट पे हम लोग थे तभी इसने इसके लिए कुछ तो खरीदा क्योंकि इसका मूड अच्छा हो जाए, तो वो वीडियो है अभी इसके बाद, तो वो ब्लॉग देखना और कॉमेंट में, नहीं 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 एक मिनट, एक मिनट, पहले कॉमेंट में जरूर बताना पूरा देखने के बाद कि आपको कैसा लगा, इसका स्टोरी मत सुनना चाहिए। बता दी गाइस मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, आपको लोगों को स्टोरी
नहीं पता, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर, जिसको पता ही नहीं कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, आप जाके पहले वो व्लॉग देखो कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो मुझे लगा बस अभी तो इंडिया बाली जाने की मिलेगा और इंडिया वापस जा रहे हैं हम, तो मैं अपसेट हो गई। तो मैंने बोला चलो यार इतने दूर आई हूँ, और मेरे को ना ऐसा था कि मेरे को मेरे लिए मुझे एक लग्जरी बैग, मतलब अपने लिए, ऐसे किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर मुझे एक मेरा ऐसा था कि मैं मेरे लिए एक लूंगी कभी तो। तो तभी मैं अपसेट हो गई थी और जोश जोश में मैंने अब देखो मैंने क्या किया, अब देखो कि वैदु ने क्या किया। तो चलो चलते सीधा आपको वो वीडियो दिखाते हैं। एंड बट आई डोंट रिग्रेट दैट, मतलब ठीक है मेरे को करना था, बहुत टाइम से बोल सकते हो कि मुझे कुछ करना था, मैंने खुद के लिए कि अगर कुछ चीजों से आपको खुशी मिलती तो आप करो, मुझे खुशी मिली उस चीज से, और ठीक है वो भले वो खुशी टेम्पररी थी इट्स नॉट परमानेंट खुशी, बट मजा आया करके। बट बाद में फिर रिग्रेट, ऐसे रिग्रेट नहीं हो, बट सिर्फ ऐसा लगा कि जब पता चला वो बाली जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा हम लोग रुक सकते थे, बट ठीक है कोई नहीं, आई एम हैप्पी कि मैंने किया, आज नहीं तो कल करना था, तो वो टाइम था, वो चांस okay, था। आप ये इसका सुनो मत, आप सीधा वो व्लॉग देखो। और शायद से जो ये सिंगापुर एयरपोर्ट में जो हुआ है ये शायद खरीद लूँ तो शायद मैं वो सारी चीजें भूल भी जाऊँ। वाह 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 बेटे। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो आपने हमारा सिंगापुर वाला व्लॉग देखा ही होगा कि क्या हो गया क्या नहीं सिंगापुर एयरपोर्ट पे हमारे साथ। मैं ये दिन कभी नहीं भूलने वाली, मेरी फर्स्ट ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, और ये चीज हुआ, आई मीन ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने स्पेशली वो ब्लॉग बना के डाला है, सो दैट आप लोग भी आगे जाके ट्रैवल करो तो ये चीज़ों का ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्ट टू बी हैप्पी, मतलब जस्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, उसके पहले अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यस प्लीज जाके देख लो, और उसके बाद ये ब्लॉग देखना, तब बहुत मजा आएगा। अगर आपको पहले ये देखना है बाद में वो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैप्पी हैप्पी है, वो थोड़ा सैड सैड था। yes, yes. तो या हैप्पी इसलिए क्योंकि मैं शॉपिंग करने वाली हूँ, और मैं अभी फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस खराब था तो क्या हुआ, आई एम गोना बाय अ गुड डिजाइनर बैग, माई फर्स्ट डिजाइनर बैग, यस माई फर्स्ट डिजाइनर बैग फॉर माई सेल्फ, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, जस्ट टू मेकअप, इतना ज़्यादा मूड खराब था तो सोचा क्यों ना आए और देखे, मुझे कुछ पसंद भी आया तो आई जस्ट शो यू क्विकली कि मुझे क्या क्या पसंद आया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो सो वी आर हियर एट माइकल कॉर्स, और हम लोग सिंगापुर एयरपोर्ट पे हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ डिजाइन बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, जैसे कि आपको पता है मुझे मिनी क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे अभी एक पीछे क्यूट बैग पहना है ना हाँ, तो ये तो मेरे पास है, पर मुझे ये वाले बैग भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, इनके क्यूट छोटे छोटे बैग्स हैं, ये मिनी है, इसमें तीन कलर्स है, पर मैं फिर भी सोच रही हूँ लेने का, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कुछ $600 का समथिंग है, डॉलर्स या कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 35,000 का ये बैग है, पर ये तो मैंने सोचा चलो जाने दो 35,000। मैंने एक और चीज़ डिस्कवर की, इसके बाद इनका न्यू कलेक्शन, यहाँ पर कुछ कलेक्शन इनका, यहाँ पर भी कुछ कलेक्शन, ये भी कुछ बैग्स। चलो इसका प्राइस गेस कर लो, आपको 5 सेकंड देता हूँ कमेंट में, उसके बाद हम लोग रिवील कर रहे हैं। इन्हें पूछेंगे जो ये स्टोर मैनेज कर रहे हैं, इनको पूछेंगे कितना, मुझे ये बैग भी बहुत ज्यादा क्यूट लगी बट करंट मुझे नहीं बोल रहा लेने के लिए। If you want to take it, take it. बाद में तू ही रोएगी कि मेरा मोबाइल रहा। इसमें तो कुछ नहीं जाएगा, तो don't take it. But this is so cute. इसमें सिर्फ कार्ड और कैश जाएगा बस। We also have 3 colors. I don't know why करन को क्यों नहीं पसंद आ रहा, but ले 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 ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। But इसका प्राइस है, मैं बताना चाहूंगी, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं दिखाना चाहूंगी। अंदर अंदर एक रिसीट होगा। Here it is. यहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, पीछे पीछे, it's here. And let's see, it's for 195 SGD, मतलब 195 SGD मतलब कन्वर्जन होगा, अगर अगर इंडियन में कन्वर्ट करो आप इंडियन करेंसी, तो ऑलमोस्ट 13,000 रुपीस, 13,000 का ये छोटा बैग है नहीं नहीं ले रही हूँ, I'm not taking it, 12 से 13,000, bye bye, sorry, maybe next time. अच्छा लग रहा है, नहीं दिस इज पर रेड, एक्चुअली मेरी फ्रेंड के पास भी थी लेकिन वो दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में थी, राइट, ऐसी थी ना डिजाइन, हां ब्राउन थी शायद, हां बट दिस लुक्स वेरी नाइस, आई लाइक द कलर, इट इज ब्यूटीफुल कलर, कलर ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक होता है, थोड़ा सा ब्राउन का टोन, ये वाला, ये वाला, दिस वन, ये वाला,
This is their signature color. We also have three colors. This one. But pink में मेरे पास already दो bag है घर पे तो I won't go for pink. Red नहीं है. Pink लेना तो ये ले ले क्योंकि इसके ऊपर 50% off है ये वाले bag के ऊपर. नहीं नहीं ये भी अच्छी है थोड़ी सी classic. Let's see Karan I'm confused now that this is nice this is nice. Pen का दिखाओ वो वाला. Brown. This is also very nice. This will go on everything. This will go on selected. Again, this one I can carry for more purpose. जिसमें मुझे मेरा ज़्यादा सामान जाएगा. इसमें सिर्फ मेरा फ़ोन जाएगा, मेरे keys जाएंगे कुछ और कुछ cash जाएगा और card जाएगा. But again, this is very cute and handy. Green भी अच्छा लग रहा है. Green दिखा? I think the green, the color is beautiful green. You have एक green bag मुझे पता है, but ये भी मस्त लग रहा है और नीचे वाला ग्रीन भी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. ग्रीन आई हैव आई वोंट गो फॉर ग्रीन जो है मुझे वो नहीं लेना. आई विल चेक द प्राइस फॉर दिस वन. 350 मतलब कितना होता है पता है? 6 3 18 5 22000. ठीक है ना. वो 100 150 से तो बेटर है. 200 का है वो. 200 का है. 195 मतलब 200 ही है ना. ठीक है चलो गिव मी सम टाइम मैं थोड़ा सोचते हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है. मुझे तो पसंद आया है. आई डोंट वांट टू. और शायद से जो ये सिंगापुर एयरपोर्ट में जो हुआ है ये शायद खरीद लूँ तो शायद मैं वो सारी चीज़ें भूल भी जाऊँ. वाह 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 बेटे वाह बेटे. चलो आई विल सी मोर. तो ये भैया को स्टोरी बता रही है कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं और बस वही चल रहा है और वो अपने आप को कन्विंस कर रही है कि ले लूँ क्या, इतना महंगा बैग है, ले लूँ क्या. और ये वो उसका एक पार्ट है, ये उसका एक पार्ट है. बट ठीक है कोई बात नहीं, वो खुद अपने लिए ले रही है. मैं भी उसको लेके देता था, मैं उसको बोल रहा हूँ मैं लेके देता हूँ मैं लेके देता हूँ तो नहीं बोल रही, बोलती नहीं मुझे खुद लेना है, मुझे खुद लेना है, आई वॉन्ट टू फील बेटर. तो देखते हैं लेती है या नहीं. वैसे मैं ट्राई करूँगा उसको लेके देने. बट लेट्स सी. लड़की ने खरीद लिया और इसको नया पीस मिला, वो डिस्प्ले पीस नहीं दूसरा वाला पीस दिया है. मधु तो भाई बोल रहे पहले चेक कर लो सही है या नहीं सब कुछ, वरना फ्री ले लो मेरी तरफ से. पहली बार मैं पिंक नहीं, मैं रेड ले रही हूँ क्योंकि पिंक मेरे पास ऑलरेडी दो है और मुझे यही ही ज़्यादा पसंद है, यही साइज ज़्यादा क्यूट लगा. तो टन टन फाइनल कर देते हैं. Vedu's first designer bag. I have my Moody pass. It's not that I don't have it, but I have it till Singapore. Works, na? I also have my passport if you need it. Sure. पहली designer bag लेके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरे को कब से लेना था और मैं स्टोर में के ले रही हूँ. हो गया पेमेंट, ले लिया है लड़की ने बैग एंड वहाँ पर पैक हो रहा है बैग मस्त एकदम तरीके से और ऐसी लगने वाली वैदो भी हमारी. वो देख वो लड़की ने जैसा लिया है वैदो वैसे ही लेने वाली ना तू बैग. एकदम मॉडल जैसे लेकर दिखा एक बार. Thank you. Thank you so much, bro. Thank you. For safe journey. Thank you. Yeah. Safe journey back to Mumbai. Back to Mumbai within few hours. Vedu, happy? Yeah, kind of. Kind of? Guys, आप ही बताओ इतना बड़ा चीज हुआ उसके बाद इतनी छोटी सी चीज मैंने खुद खुद को गिफ्ट की तो उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है? I'm asking you, are you happy? थोड़ी हो गई हो थोड़ी. लेट्स गो. थैंक यू. थैंक्स ब्रो. बाय बाय. ऑल द बेस्ट फॉर यू यूट्यूब. थैंक यू. थैंक यू. चलो कीप दिस. ये मत दिखाना उनको अभी उधर जा रहे हैं, उनको लगेगा हमारे पास बहुत पैसा है. हम लोग उन्होंने बोला फिर भी 3 बजे तक बताएंगे. तो लेट्स होप कि कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आए पर लग तो नहीं रहा. नहीं नहीं नो पॉजिटिव न्यूज़ बट चलो आज तो जाना ही नहीं है तो एनी विच वेज चलो घर चलते हैं वापस. तो ये ब्लॉग यही तक. थैंक यू सो मच ये देखने के लिए. मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ. बाय बाय. बाय बोल दो वेदू.